नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। ओके, उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो, इस पार्ट में ओओजेनेसिस में हमने ये देखा था कि ओवुलेशन के समय पर ये स्ट्रक्चर बाहर आए, जिसको हमने क्या क्या नाम दिया। रेड कलर वाले स्ट्रक्चर को जोना पेलुसिडा, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर हमने क्या बोला था, कुमुलस ओओफोरस, और आगे चल करके ये जो बाहर आ गई अब इनको क्या बोलने लगते हैं अपन, कोरोना रेडिएटा, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओओसाइट, और इनके बीच में एक स्पेस क्या था, पेरीवेटलाइन स्पेस। इसी को अपन जूम करके देखते हैं। ठीक है, ये ओवुलेट हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी का अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा अगर, तो ये मियोसिस अपना पूरा करेगा, मतलब इसमें मियोसिस प्रोसेस चल रही है। ठीक है, मेटाफेज में क्या है, ये अरेस्टेड स्ट्रक्चर या अरेस्टेड होता है। ओके, तो चलिए इसी को देखते हैं अपन, किस में, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम में। ओके, तो इसमें कुछ मेंशन कर देते हैं अपन सबसे पहले, उसके बाद फिर डायग्राम से देखते हैं ओवम। ठीक है, ओवम को हम और क्या बोलते हैं, ओवम इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी ओओसाइट। तो ओवम क्या है, सेकेंडरी ओओसाइट। अब ये तो मॉडर्न में हुई बात, एक सेकेंड, सेकेंडरी ओओसाइट ये बोल देंगे, लेकिन आयुर्वेद स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसको एक स्पेशल नेम से अपन जानते हैं, या इसके सिनोनिम्स में भी आप यूज कर सकते हो, अंतः पुष्प। जब अपन क्या पढ़ेंगे, आर्तो, या कहना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये अंतः पुष्प, ये आप बता सकते हो। मॉडर्न स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, इसको हम सेकेंडरी ओओसाइट बोल देंगे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसका जो साइज होगा, साइज कैसा होगा भाई, कितना होगा, 140 μm। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ मियोटिक स्पिंडल, ओओप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म, वेटलाइन मेम्ब्रेन, वेटलाइन पेरीवेटलाइन स्पेस, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ओके, चलिए एक के बाद एक देख लेते हैं अपन ये सारी चीज़ें। ओके, तो एक स्ट्रक्चर से समझो आप, सॉरी मैं बनाते समय आपको भूल गया था। ओके, देखिए ये क्या है, एक लेयर जो इसके अंदर किसको, किसके बाहर पाई जाएगी, ये सेकेंडरी ओओसाइट के। तो ये सेकेंडरी ओओसाइट आप दिखा दो, ये रेड कलर में जो अपन दिखा रहे हैं, ये क्या है, सेकेंडरी ओओसाइट। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, सेकेंडरी ओओसाइट के साथ में, ये दिखा दो आप ग्रीन कलर में यहाँ पर, बस मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पोलार बॉडी। ओके, कहाँ पर है, वेटलाइन स्पेस है, जो पेरीवेटलाइन स्पेस। ठीक है, ओके, और इसके बाहर की साइड में क्या पाया जाएगा, कुमुलस ओओफोरस, जो किसके साथ आई थी, ये लेयर, इस पे आप फोकस करो, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया किसका, ओवम का, या सेकेंडरी ओओसाइट। अभी ये मैच्योर ओवा नहीं है। ठीक है, जब इसमें, जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये क्या फॉर्म, क्या बनेगा, मैच्योर फर्टिलाइज ओवा, अभी ये इन प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, जो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, देखो ये क्या है, मियोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, ऐसा कुछ, ये येलो कलर में मैं दिखा देता हूँ, ये आप समझो, ये येलो कलर नहीं होता है एक्चुअली, है ना, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये सारा। अब इसके बारे में अपन वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसमें जो हमें क्या नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियस विजिबल नहीं है, और इसमें हमें क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्पंडल,
कौन से स्पिंडल? मियोटिक स्पिंडल। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर इसी को बता दीजिए, अंदर से चल रहे हैं अपन, ठीक है? तो ये क्या है? मियोटिक स्पिंडल, ठीक है बेटे? मियोटिक स्पिंडल, क्योंकि ये जो सेकेंडरी ओओसाइट हमें ओवुलेशन में आया है, एक्चुअली अभी ये कन्फर्म या कहना चाहिए मेच्योर ओवा नहीं है, है ना? जब तक मैजिक टच ऑफ स्पर्म या स्पर्म इसको टच नहीं करेगा, स्पर्म के साथ रिएक्शन नहीं होगी, तब तक हम इसको क्या नहीं बोल सकते हैं? मेच्योर ओवम, ठीक है? जैसे ही मैजिक टच होगा स्पर्म के साथ में, वैसे ही ये अपना ये क्या कहना चाहिए, सेकेंडरी ओओसाइट मियोसिस टू पूरा करेगा। अभी ये कहाँ पर अरेस्टेड है? मेटाफेज स्टेज में, ठीक है? ओके, इतना हो गया। उसके बाद इसको डार्क कर देते हैं अपन, दूसरी चीज ये तो हो गया इसके अंदर। दूसरी चीज और इसमें हमको क्या दिख रही है? ओओप्लाज्म, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। ये डॉट डॉट में आपको दिखाई दे रहा ना, ये क्या है? ओओप्लाज्म, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, किससे? साइटोप्लाज्म, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना? अब इसके बारे में आप एक चीज़ बता सकते हो कि जो ओओप्लाज्म होता है, देखो यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो आप, ओओप्लाज्म कंटेन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ लेसिथिन, ठीक है ना? लेसिथिन लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है? दैट फॉर्म ड्यूटोप्लाज्म, ओके। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ओओप्लाज्म हो गया, मियोटिक स्पिंडल्स हो गए, विटलाइन मेम्ब्रेन कहाँ है? ये रही विटलाइन मेम्ब्रेन, ये रेड कलर में हमने जो दिखाई है ये, ठीक है? क्या है ये? विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके। अब ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इसके ये देखो सराउंडेड एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को, ये स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। और ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी इसी स्पेस में होता है, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये ब्लू कलर में क्या है भाई? ब्लू कलर में बता दो आप, यहाँ पर ये ब्लू कलर में है ग्लाइकोप्रोटीन। देखो यहाँ पर फोकस करना बेटा, है ना? एक डायग्राम से समझो, इस पार्ट में आओ। ये हमने यहाँ पर बताया था ना कि ये कौन सी सेल है? ग्रेनुलोसा सेल। और ये ब्लू कलर में क्या है अंदर की तरफ? प्राइमरी ओओसाइट। तो प्राइमरी ओओसाइट अपने बाहर की तरफ और ग्रेनुलोसा सेल अंदर की तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उससे एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है चारों तरफ, किसके? प्राइमरी ओओसाइट के, जो रेड कलर में हम दिखा रहे हैं, जिसे हमने क्या बोला था? जोना पेलोसिडा। ये वही मेम्ब्रेन है जो यहाँ पर हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? जोना पेलोसिडा। देखो पहले इसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद जोना पेलोसिडा। ये समझ में तो आ गई ना ये मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो ये हो गई जोना पेलोसिडा। ये आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं बेटा यहाँ से, है ना? ये बैरियर होती है, मेम्ब्रेन बैरियर है, विटलाइन मेम्ब्रेन, विटलाइन स्पेस के चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना? और जब स्पर्म आता है तो ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है, कौन? जोना पेलोसिडा, एक चीज। दूसरा, जैसे ही क्या करती है, जैसे ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? वैसे ही ये जोना पेलोसिडा फिफ्थ या सिक्स डे क्या होना स्टार्ट हो जाती है? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। मींस जब हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे तो इसका डिसअपियर होना देखेंगे, ठीक है? तो ये हो गई जोना पेलोसिडा। आउटर मोस्ट पार्ट, ये ऑरेंज कलर में हमने क्या दिखा रखा है भाई? सबसे बाहर की तरफ जो जोना पेलोसिडा को भी कवर करके रखी है। फिर से वही डायग्राम देख लेते हैं। ये देखे थे अपन, ये कुछ सेल जोना पेलोसिडा और प्राइमरी ओओसाइट को क्या करके रखी थी? कवर करके रखी थी, जिनको हमने एक नाम दिया था। ये यहाँ पर दिया है एक नाम, कुमुलस
ओओफोरस, क्यूमुलस ओओफोरस, यही क्यूमुलस ओओफोरस सेल ओवुलेशन के समय ये सेकेंडरी ओओसाइट के साथ में बाहर आ जाते हैं, और इनका नाम अब हम क्या बताते हैं या क्या कह सकते हैं, कोरोना रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर। फर्टिलाइजेशन के समय पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो रिलीज होता है वो इसी लेयर को तोड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द ओवा, ठीक है ना, या सेकेंडरी ओओसाइट, ये हमने डिस्कस किया है, हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, तो ये है। ओके बेटा, थैंक यू।